बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। आज हम बीफ के गोश्त का इश्टू बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम लिए 1.5 किलो गोश्त डगर वाला और 4 प्याज कट कर लिए हैं और कुकिंग ऑयल, 2 बड़ी इलायची, 12-14 काली मिर्च और 3-4 दालचीनी का टुकड़ा, 3 तेज़पत्ता, 7-8 छोटी इलायची, 7-8 लौंग और 12-14 साबित लाल मिर्च और 2 चम्मच अदरक लहसुन कट किया हुआ और नमक 1 चम्मच। अब हम कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालें, गोश्त डालेंगे। ये बनाना बिल्कुल आसान है, आप भी बनाएं, खाएं बनाकर। अब प्याज डालेंगे, सारे साबित गरम मसाला डालेंगे, और साबित लाल मिर्च डालेंगे। इसे चाहे तो कट करके डालें या साबित डाल दें, ये गल जाता है गोश्त के साथ साथ, फिर भूनते वक्त वो मिक्स हो जाता है गल के सही से। और अदरक लहसुन डालेंगे, नमक डालेंगे, कुकिंग ऑयल, अब इसमें दो कप पानी डालेंगे बड़े वाले कप से। दो कप पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 घंटे के लिए पकने देंगे। 10 मिनट पहले तेज आंच पे पकाएंगे, फिर 1 घंटा उस हल्की आंच पे बनाएंगे ताकि अच्छी तरह से गोश्त गल जाए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये सिर्फ खड़े मसाले का बनता है, पिसा हुआ कुछ भी नहीं डलता है इसमें मसाला, और बहुत मज़े का बनता है, आप बना कर खा कर देखें। अब इसे ढककर 10 मिनट तेज आंच पे पकाएंगे। फिर हल्की आंच पे 1.5 घंटा बना 1 घंटा और पकाएंगे। अभी 1.5 घंटा हुआ है, चेक कर लेते हैं गला या नहीं। इसमें अभी कसर है, अभी थोड़ा और पकाना है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नीचे दिए हुए बेल बटन दबाना ना भूलें। 1 घंटा हो चुका है, चेक कर लेते हैं हुआ या नहीं। ये बिल्कुल गल चुका है गोश्त, अब इसका थोड़ा भुनाई करेंगे। देखिए इसका कलर कितना चेंज हो गया है, कितने मज़े का लग रहा है, बिल्कुल गल गया, हड्डी छोड़ दिया एकदम गोश्त। अब इसे थोड़ा देर भूनेंगे। देखिए कितने मज़े का लग रहा है। तो ऑयल ऊपर आ रहा है, अब ये भुन चुका है अच्छी तरह से। देखिए मिर्ची भी मिक्स हो गया है, इसमें साबित मिर्च डाले थे
देखिए गोश्त बिल्कुल गल गया है। ये अब तैयार हो चुका है, अब डिश आउट करेंगे। अब डिश आउट करेंगे। ये देखें, इसे आप चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, तंदूरी रोटी के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगता है। इष्टू जब भी बनाएं तो डगर वाला गोश्त बनाएं, ज़्यादा मज़े का बनता है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। देखें कितने मज़े का लग रहा है। इस पे हरी धनिया डालेंगे थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए। अल्लाह हाफिज़।